नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्टिंग दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस में। जैसा कि आप सब लोगों को भलीभांति रूप से परिचित हैं कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोस लॉन्च करता हूं, इसी चेन को मेंटेन रखते हुए इसी के रिगार्डिंग और एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही यूथफुल विंटर का सीजन आ गया है, इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इस होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर आपके सिम्टम्स अकॉर्डिंग मैच होते हैं। फॉर्मिका रूफा, हाँ जी, फॉर्मिका रूफा एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है, एनिमल किंगडम से प्रेरित एक मेडिसिन है, वो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इसके रोचक तथ्य और इसके बेनिफिट जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट भी आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको प्रीवियस बेनिफिशियल वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं फॉर्मिका रूफा। इंट्रोडक्शन की बात करूंगा सबसे पहले मैं, फॉर्मिका रूफा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये एनिमल किंगडम या एनिमल स्पीसीज से रिलेटेड है। लाइव आंट्स जो होती है, चींटियां, उससे प्रेरित होकर पोटेंटाइज, एनालाइज, पल्वराइज करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा इसका मदर टिंचर, इसकी 6 पोटेंसी, इसकी 13-200 पोटेंसी तक प्रिपरेशन किया जाता है। तो स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, मैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये गाउट, रूमेटिज्म और आर्थराइटिस के अंदर, हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा, गठिया बाय की अगर किसी को समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो या फिर आर्टिकुलर रूमेटिज्म हो, इस तरह की जो डिजीजेज होती हैं जोड़ों से रिलेटेड, दर्द से रिलेटेड, वहां पर फॉर्मिका रूफा बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। क्योंकि फॉर्मिका रूफा एक ऐसी मेडिसिन है जो कि स्पेशली मैं मेरी एक्सपीरियंस की बात करूं तो विंटर सीजन में ऐसी समस्याएं पेशेंट्स को देखने को मिलती हैं, स्पेशली जो ओल्ड एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं, 45 साल से ऊपर या 50 साल से ऊपर जो भी मेल्स या फीमेल्स हैं उनमें मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ये मैं बहुत अच्छा यूज करता हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इसका जो मदर टिंचर है वो स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसे क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं आपको बहुत कम समय में, जोड़ों की जो दर्द की समस्या है, जैसे कि बात कर लीजिए गठिया में, गठिया में ऐसी स्थिति हो जाती है पेशेंट की कि उंगलियों के जॉइंट्स उसमें सूजन आ जाती है, घुटने के जो जॉइंट्स हैं दोनों घुटने उसमें सूजन आ जाती है, आर्टिकुलर रूमेटिज्म, इस तरह का पेशेंट के अंदर पेन होता है, जैसे ही बैठेगा जैसे ही उठेगा तो पेशेंट को दर्द होने लगेगा, जोड़ों में सूजन आने लगेगी और ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन हो जाएगी वर्स फ्रॉम मोशन, जैसे ही चलेगा तो दर्द सहन होगा और प्रेशर से उसको पेशेंट को आराम मिलेगा, रब करेंगे उस एरिया पे या थोड़ा गर्माहट देंगे तो आराम मिलेगा। ऐसी ही कंडीशन रस्टॉक्स एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बारे में प्रीवियस वीडियो बना चुका हूं, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं फॉर्मिका रूफा को। फॉर्मिका रूफा में क्या है कि रूमेटिज्म इस टाइप का होता है कि जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, कट कट की आवाज बोलती है, ठंड में स्पेशली कोल्ड वर्स होता है इसके अंदर, ठंड से पेशेंट को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, स्टिफनेस एज ए टॉर्न फ्रॉम अटैचमेंट, ऐसा लगेगा कि कोई चीर रहा है, फाड़ रहा है, उठ रहा है, पेशेंट को मस्कुलर स्ट्रेन, बहुत ज्यादा पीड़ा होगी पेशेंट्स को, चाहे वो शोल्डर ज्वाइंट हो, स्पेशली घुटनों की ज्वाइंट की बात कर ले, वहां सूजन आएगी, ललाई आ जाएगी, शोल्डर ज्वाइंट से गठिया आएगी प्रॉब्लम के अंदर, इसको आप भूले नहीं। बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर किसी को आर्थराइटिस या गाउट की समस्या हो रही है तो इसके मदर टिंचर का 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम आप उपयोग मिलेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपने को देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेटल रैश या अर्टिक्रिया की बात करूं और नेजल पॉलिप जैसी कंडीशन है, नाक का हड्डी या नाक का मांस बढ़ जाता है, उसमें आप इसकी स्टीम ले सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल या आप सरसों के तेल में इसको मिक्स करके, इसके मदर टिंचर को मिक्स करके नेजल पॉलिप वाली जगह में दोनों नॉस्ट्रल्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर भी नेजल पॉलिप की समस्या से आपको बहुत जल्द आराम देखने को मिलेगा। तो होलेंस और निष्कर्ष ये है कि फॉर्मिका रूफा को आप याद रखा जाए किसी भी तरह के रूमेटिज्म, आर्टिकुलर रूमेटिज्म और गाउट जैसी समस्याओं के अंदर। इसके डोजेस मैंने आप लोगों से शेयर किए, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट मौजूद नहीं है इस मेडिसिन का। आशा करता हूं आपको जो भी जानकारी दी गई है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे संतुष्ट होंगे। अगर इसके अलावा आप कुछ ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में अदर लिंक्स और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, वहां पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, मैं जहां तक हो सकेगा आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी हाजिर हूँ आपके समक्ष होम्योपैथिक वाइंस पर। लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।